हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्व करना। हम सीख रहे थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कॉफिशियंट में। आज हम पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्व करना सीखेंगे जब क्यू की वैल्यू एक्स इंटू फाई एक्स हो। ओके, नाउ टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल इफ क्यू इज इक्वल टू एक्स इंटू फाई एक्स, वेयर फाई एक्स इज द फंक्शन ऑफ एक्स, देन टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई इज इक्वल टू वन अपॉन एफ डी, फंक्शन ऑफ डी, इंटू क्यू की वैल्यू एक्स इंटू फाई एक्स। नाउ दिस विल बी इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एफ डी इंटू एफ डैश डी वन अपॉन एफ डी फाई एक्स। ओके, तो इस फॉर्मूले का हमको यूज करना है पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पर फाइव एक्स आपका जो एक्स का फंक्शन है वो कुछ भी हो सकता है, ई रेस्ट टू द पावर एम एक्स भी हो सकता है। यदि ई रेस्ट टू द पावर एम एक्स हो जाएगा तो अभी लास्ट वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में जो मैंने आपको मेथड बताया था वो यूज होएगा। यदि फाइव एक्स हमारा साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स है तो हम कैन बी डिटरमाइंड बाय राइटिंग द इमेजिनरी और रियल पार्ट, तो हम उसको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट लिख के सॉल्व कर देंगे और कन्वर्ट कर देंगे ई रेस्ट टू द पावर आयोटा ए एक्स में। बिकॉज ई रेस्ट टू द पावर आयोटा ए एक्स किसके इक्वल होगा, कॉस ए एक्स प्लस आयोटा साइन ए एक्स। तो यदि हम रियल पार्ट लेते हैं तो कॉस ए एक्स के लिए सॉल्व हो जाएगा, और यदि हम इमेजिनरी पार्ट लेते हैं तो साइन ए एक्स के लिए सॉल्व हो जाएगा। नाउ सॉल्व डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। हमें एक एग्जाम्पल लेके इस क्वेश्चन को समझ इस मेथड को समझते हैं। अब यहाँ पे देखो क्यू जो है वो एक्स इंटू साइन एक्स, एक्स और फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा है जिसमें हमें ये साइन एक्स दिया हुआ है। सबसे पहले हमें इसका सी एफ सॉल्व करने के लिए क्यू को जीरो के इक्वल मानना होगा, और इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लिखेंगे तो एम स्क्वायर माइनस टू एम प्लस वन इज इक्वल टू जीरो हो जाएगी। इसको सॉल्व किया तो एम माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स एम इज इक्वल टू वन वन। दोनों रूट सेम आ रहे हैं, दोनों रियल रूट हैं, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू सी वन प्लस सी टू एक्स इंटू ई रेस्ट टू द पावर एक्स। अगेन अब हमको पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्व करना है, सो पर्टिकुलर इंटीग्रल विल बी वन अपॉन फंक्शन ऑफ डी, दैट मीन्स डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन इंटू एक्स साइन एक्स। अब इसके लिए अभी हमने फॉर्मूला देखा था, उस फॉर्मूले का यूज करेंगे, एक्स माइनस वन अपॉन एफ डी इंटू एफ डैश डी भी हो जाएगा। एफ डैश डी का मतलब हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन डी के रिस्पेक्ट में, टू डी माइनस टू मल्टीप्लाई बाई वन अपॉन एफ डी इंटू साइन एक्स, जो फंक्शन है हमारा फाइव एक्स वो साइन एक्स है। तो फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट कर दी ना, इसको सॉल्व किया हमने, इसमें से टू कॉमन आ गया डी माइनस वन, और पहले हम इसको साइन के लिए सॉल्व करेंगे। तो साइन और कॉस का जो हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना सॉल्व करना सीखा था, तो इसमें हम क्या करते हैं डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पर ए की वैल्यू वन है तो डी स्क्वायर माइनस वन से रिप्लेस हो जाएगा। अब ये माइनस वन से रिप्लेस हो जाएगा तो माइनस वन प्लस वन ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, केवल माइनस टू डी बचेगा, और वन अपॉन डी का मतलब इंटीग्रल ऑपरेटर है, तो साइन एक्स का वन टाइम इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आएगा, माइनस कॉस एक्स, और माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस वन बाई टू कॉस एक्स, मतलब प्लस का वन बाई टू कॉस एक्स आ जाएगा। अब ये भी देखो इसमें डिनोमिनेटर जो है उसको हम डी माइनस वन का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, वो हमने लिख दिया, तो ये डी माइनस वन फैक्टर डी माइनस वन से एक बार कैंसिल हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास केवल डी माइनस वन बचेगा, और ये टू मल्टीप्लाई में अब हम इस पूरी टर्म को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो वन बाई टू एक्स कॉस एक्स आएगा, माइनस या टू से टू कैंसिल हो जाएगा, वन बाई डी माइनस वन कॉस एक्स आ जाएगा। अब वन बाई टू एक्स कॉस एक्स ये तो एज इट इज रहेगा, इसको तो हमें कुछ करना नहीं है, सॉल्व हो गया ना। इस टर्म को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में डी स्क्वायर नहीं है इसलिए हम इसको माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं,
तो अभी हमें क्या करना होगा, d माइनस वन को इसको स्क्वायर बनाने के लिए इसको रैशनलाइज करना होगा। तो हम रैशनलाइज करेंगे तो d प्लस वन से डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा d प्लस वन अपॉन डी स्क्वायर माइनस वन कॉस एक्स। अब इस डी स्क्वायर को हम माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ a की वैल्यू 1 है तो ये माइनस वन से रिप्लेस हो जाएगा, माइनस वन माइनस वन माइनस टू हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 1/2 डी प्लस वन कॉस एक्स। अब ये कॉस एक्स क्या होगा, एक बार डी से मल्टीप्लाई हो गया और एक बार वन से मल्टीप्लाई हो गया। जब ये डी से मल्टीप्लाई हो गया तो डी ऑपरेटर है, डिफरेंशियल ऑपरेटर, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स हो जाएगा, प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। सो 1/2 एक्स कॉस एक्स प्लस, यहाँ ये हमारे पास आ जाएगा प्लस का कॉस एक्स यहाँ से और माइनस का साइन एक्स यहाँ से आ जाएगा। ओके बच्चों, तो ये आ गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। आपका जनरल सॉल्यूशन क्या बनेगा, वाई इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा था सी वन प्लस सी टू एक्स इंटू ई रेस्ट टू द पावर एक्स प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/2 ब्रैकेट में एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब एक और एग्जाम्पल लेके हम इसको समझते हैं ना। एग्जाम्पल सेकेंड इज डी स्क्वायर प्लस टू डी प्लस वन इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स। अब इसको सॉल्व करने के लिए, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम क्यू को जीरो मान के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन हम इसकी लिखेंगे तो क्या होगी, एम स्क्वायर प्लस टू एम प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एम की, वो बन रही है एम प्लस वन होल स्क्वायर, दैट मीन्स इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स कि एम के रूट्स हमारे पास क्या है, माइनस वन माइनस वन, दोनों रूट्स सेम है और रियल है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, सी वन प्लस सी टू एक्स इंटू ई रेस्ट टू द पावर माइनस एक्स। अगेन वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस टू डी प्लस वन, पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हम क्या करेंगे, वन अपॉन एफ डी इंटू क्यू, क्यू हमारा है एक्स कॉस एक्स। अब इसको सॉल्व करना है हमको, तो अब हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स माइनस वन अपॉन एफ डी इंटू एफ डैश डी इंटू वन अपॉन एफ डी कॉस एक्स। अब इसको पहले सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पर कॉस एक्स के लिए कैसे सॉल्व करेंगे कि डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करें। यहाँ ए क्या है, वन, तो ये माइनस वन से रिप्लेस हो जाएगा, माइनस प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, वन अपॉन टू डी इंटू कॉस एक्स बचेगा। तो वन अपॉन टू तो कॉन्स्टेंट है लेकिन वन अपॉन डी इंटीग्रल हो गया है वन टाइम, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स, तो 1/2 साइन एक्स। अब ये डिनोमिनेटर डी स्क्वायर प्लस टू डी प्लस वन, इसको हम लिख सकते हैं डी प्लस वन होल स्क्वायर। सो डी प्लस वन ये वन टाइम इससे कैंसिल हो जाएगा और डिनोमिनेटर में केवल एक बार बचेगा, वन अपॉन डी प्लस वन। अब इसको हमने 1/2 साइन एक्स को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करा, सो फर्स्ट टर्म विल बी 1/2 एक्स इंटू साइन एक्स माइनस वन अपॉन डी प्लस वन इंटू टू से टू कैंसिल हो गया साइन एक्स। अब इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास डी स्क्वायर नहीं है, तो डी स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको रैशनलाइज करेंगे। सो डी माइनस वन से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दिस विल बी डी माइनस वन अपॉन डी स्क्वायर माइनस वन इंटू साइन एक्स। अब यहाँ पर हम डी स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे माइनस ए स्क्वायर से, तो ए की वैल्यू यहाँ पर भी वन है तो इसलिए डी स्क्वायर किससे रिप्लेस हो जाएगा, माइनस वन से, तो माइनस वन माइनस वन कितना आ जाएगा, माइनस टू, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे, तो हमारे पास आएगा प्लस 1/2 और ब्रैकेट में साइन एक्स मल्टीप्लाई हो गया डी माइनस वन से, तो डी साइन एक्स माइनस साइन एक्स। अब डी का मतलब है यहाँ पर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब डी साइन एक्स का हम वन टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो कॉस एक्स आ जाएगा माइनस साइन एक्स। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज 1/2 ब्रैकेट में एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। Therefore, the general solution is y is equal to complementary function plus particular integral. Complementary function hamara tha c1 plus c2x into e raised to the power minus x plus 1/2 x sin x plus cos x minus sin x. Ye particular integral ho gaya. Now, this is the
आंसर। थैंक यू बच्चों, आई थिंक आप लोगों को ये मेथड समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट में लिख दीजिए।